आज के लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज हाइब्रिड पैरामीटर्स और से एच पैरामीटर, और ये ट्रांजिस्टर से रिलेटेड है, राइट? एच पैरामीटर और ट्रांजिस्टर कहते हैं इसको इन ब्रीफ, और एच मीन्स हाइब्रिड होता है, राइट? तो इसको डिटेल में अभी हम डिस्कस करेंगे, जो इनिशियल इंट्रोडक्शन पार्ट है, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे उसके जो करेंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन, ये सारे मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स वगैरह। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि वो एच पैरामीटर, एच हाइब्रिड पैरामीटर्स डिफरेंस क्या है, और ट्रांजिस्टर को हम किस तरह से उसमें यूज करते हैं, उसको इक्विवेलेंट हम एच पैरामीटर के इक्विवेलेंट किस तरह से ट्रांजिस्टर एनालिसिस करते हैं, राइट? सो बेसिकली हमें मालूम है कि ट्रांजिस्टर को एम्पलीफिकेशन के लिए यूज करते हैं, सिग्नल को हम एम्पलीफाई कर सकते हैं ट्रांजिस्टर से, राइट? तो यहाँ पर हम लोग ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर डिस्कस कर रहे हैं, और एम्पलीफायर में फिर जो एच पैरामीटर है, जो हाइब्रिड पैरामीटर है, तो वो उसको एनालिसिस करेंगे कि इनपुट में कोई सिग्नल दे रहे हैं तो आउटपुट में एम्पलीफाई होके आता है, तो इनपुट और आउटपुट पैरामीटर किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, ये सारा कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे, राइट? सो ट्रांजिस्टर को हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बेसिकली इट इज ए टू पोर्ट नेटवर्क। ऐसे तो हमें मालूम है कि ट्रांजिस्टर ये थ्री टर्मिनल डिवाइस, बट आपको ये भी मालूम है कि ट्रांजिस्टर को हम थ्री टर्मिनल डिवाइस के बेसिस पे नहीं यूज कर सकते हैं, और उसको फोर टर्मिनल करना पड़ेगा। तो फोर टर्मिनल करने के लिए हमें एक को कॉमन करती है, तो इनपुट में भी हमें दो मिल गया और आउटपुट में भी, जिसको हम थ्री तरह के कॉन्फ़िगरेशन कर रखे हैं, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। तो जो कॉन्फ़िगरेशन जो पड़े हैं वो जस्ट हम फोर टर्मिनल्स के लिए उसको असाइन किया गया है, राइट? सो दैट कि इनपुट में हमें दो टर्मिनल्स मिल जाएगा और आउटपुट में दो टर्मिनल्स मिल जाएगा। सो बेसिकली ट्रांजिस्टर बिहेव्स एज अ लीनियर सर्किट एलिमेंट्स एंड दे आर ऑपरेटेड विद स्मॉल सिग्नल एम्पलीट्यूड्स एंड ओवर स्मॉल रीजंस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स। The signal is applied to the input pair of terminals that is called input port, and the amplified signal taken from the pair of output terminals called output port of the transistor amplifier. अब जो हम input provide कर रहे हैं उसको input port यहाँ पर, यानी कि कह सकते हैं कि जहाँ पर signal को हम provide करते हैं input में, जिसको amplify करना होता है, उसको हम input port कहते हैं, और जहां पर हमें आउटपुट मिल रहा है, एम्पलीफाइड सिग्नल मिल रहा है, उसको आउटपुट। तो इसको हम कह सकते हैं इन ब्रीफ की ट्रांजिस्टर एज अ टू पोर्ट नेटवर्क, यानी कि इसमें दो पोर्ट होते हैं, एक इनपुट पोर्ट और एक आउटपुट पोर्ट, राइट? सिंस द ट्रांजिस्टर इज अ थ्री टर्मिनल डिवाइस, सो वन ऑफ द टर्मिनल इज कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, एंड वी गेट फोर टर्मिनल नेटवर्क विच हैज टू पेयर्स ऑफ टर्मिनल्स, वन पेयर ऑफ इनपुट एंड वन पेयर ऑफ आउटपुट, क्योंकि हम लोगों ने बॉर्डर किए कि एक को कॉमन कर देते हैं, जिसके वजह से हमें फोर टर्मिनल्स डिवाइस से बन जाता है ट्रांजिस्टर, और उससे फिर हम इजिली उसको इनपुट प्रोवाइड करने के लिए मिनिमम टू रिक्वायरमेंट्स होती है, इनपुट की टर्मिनल होने चाहिए और आउटपुट के लिए भी दो टर्मिनल होना चाहिए, राइट? तो कॉमन करके इस हम रिजॉल्व कर, सो सर्किट इन्वॉल्व टू वोल्टेजेस V1 एंड V2, two voltages V1 and V2 and two currents I1 and I2 are. Circuit diagram में देख सकते हैं यहाँ पर, basically it is a block diagram of this transistor as a two port network. So V1 input voltage हो गया, V2 output voltage हो गया, और I1 input current और I2 output current. Any two of the terminal variables may be chosen as independent given two equations which may be solved for the other two variables. अब इन जो चार पैरामीटर हमें दिख रहा है V1, V2, I1, I2, इसमें से कोई दो पैरामीटर्स इंडिपेंडेंट होंगे और दो पैरामीटर्स डिपेंडेंट होंगे, राइट? तो उसको हम अभी डिस्कस करने से पहले यहाँ पर ये बॉदर कर दूँ कि जो डिफरेंट ट्रांजिस्टर के पैरामीटर्स हैं वो कौन कौन से हैं, फिर हम लोग एच पैरामीटर्स को और डिटेल में बात करेंगे। सो बेसिकली देयर आर थ्री पैरामीटर्स दैट इज कॉल्ड डैड पैरामीटर्स, जो ट्रांजिस्टर के जो मेन पैरामीटर्स होते हैं, थ्री पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज डैड पैरामीटर्स एंड सेकंड वन इज फाई पैरामीटर्स,
एंड थर्ड वन इज हैश पैरामीटर्स। तो क्या हमें ये तीनों डिस्कस करना है? नहीं, ये जब अभी जब ट्रांजिस्टर का डिस्कवरी नहीं हुआ था तब ये वैक्यूम ट्यूब से इन सारे पैरामीटर्स को स्टडी किया जाता है। यहाँ ध्यान रखेंगे कि हम लोग जो एच पैरामीटर जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ओनली फॉर एनालिसिस ऑफ लो सिग्नल, राइट। लो सिग्नल को स्टडी करने के लिए हम एच पैरामीटर या एच मॉडल या हाइब्रिड मॉडल को यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। बट एक बार मैं यहाँ पर बॉदर करता हूँ, इसको डिटेल में हम जेड पैरामीटर्स और वाई पैरामीटर्स नहीं बॉदर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि इनपुट में दो पैरामीटर है और आउटपुट में दो पैरामीटर है। इनपुट पैरामीटर क्या है? आई वन एंड बी वन, और आउटपुट पैरामीटर क्या है? आई टू एंड बी टू, यानी पोर्ट वन और पोर्ट टू के बेसिस पे। तो उसी के बेसिस पे यहाँ पर ट्रांजिस्टर के पैरामीटर्स को डिफाइन किया गया है, और इसी से डिस्कशन से हमें पता चल जाना कि वाई इज कॉल्ड हाइब्रिड, राइट। तो बहुत ही सिंपल यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। देखिए इन दिस केस ऑफ जेड पैरामीटर्स आई वन एंड आई टू आर सीन एज इंडिपेंडेंट वैल्यूज, राइट। ये डिपेंड नहीं करेगा आई वन आई टू, एंड वी वन एंड वी टू आर सीन एज अ डिपेंडेंट वैल्यूज, ये डिपेंड करेगा आई वन आई टू पे, राइट। सो द पैरामीटर्स इन दिस सिस्टम हैव द डायमेंशन ऑफ द इम्पीडेंस। इस जेड को हम इम्पीडेंस पढ़ रखे हैं डीसी सर्किट्स में, राइट। इम्पीडेंस बेसिकली जब सर्किट में बहुत सारे एलिमेंट्स लगे रहते हैं और वो फिर जो रेजिस्टेंस सर्किट को जो प्रोवाइड करते हैं दैट इज कॉल्ड बेसिकली इम्पीडेंस, राइट, जिसको हम ओम्स में मेजर करते हैं, एंड दैट इज नोन एज जेड पैरामीटर्स, राइट। तो वो सर्किट जिसमें आई वन आई टू जो करेंट है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो, और जो वोल्टेज है वी वन वी टू वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो, उस टाइप के हम जो पैरामीटर्स है उसको हम इम्पीडेंस पैरामीटर्स कहते हैं, राइट। और वी कैन से दैट जेड पैरामीटर्स, राइट। और इसके जस्ट नेक्स्ट वाई पैरामीटर्स, इन दिस केस वी वन एंड वी टू आर टेकन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यानी कि जो ये वोल्टेज है इनपुट और आउटपुट वोल्टेज ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं करता है, while I1 I2 are seen as a dependent variables, current जो है वो dependent variable पे यानी इन दोनों का function हो सकता है, right? इस case में जब हम discuss करेंगे तो ये बातें समझ में आ जाना भी constant के अंदर ये dependent और independent का क्या significance है, यानी कि particular function इसका describe होगा और फिर हम लोग उसी से h parameter calculate करेंगे। So all the dimensions are the those of admittance. एडमिटेंस क्या होता है? एक तरह के रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस कह सकते हैं, यहाँ पर उसका यूनिट है ओम इनवर्स, राइट। तो जो हम लोग को सिलेबस में है दैट इज एच पैरामीटर उसको बात करते हैं। इन दिस केस दिस वी टू एंड आई वन, वी टू आउटपुट वोल्टेज, ए आई वन इनपुट करेंट आर चूजन एज द इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये वी टू और आई वन किस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा, दिस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, व्हाइल वी वन एंड आई टू, वी वन इनपुट वोल्टेज एंड आई टू आउटपुट करंट, दैट आर टेकन एज द डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी वी टू और वी वन और आई टू डिपेंड करेंगे इन दोनों पैरामीटर पे आई वन और वी टू पे, दैट मीन्स वी कैन से दैट वी वन एंड आई टू इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ आई वन एंड वी टू, राइट। इसलिए हम इसको डिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते हैं। सिंस द डिफरेंट पैरामीटर्स हैव डिफरेंट डाइमेंशंस in this system, therefore these are known as hybrid parameters. Hybrid का मतलब क्या हुआ कि mixed है। इसमें जो ये parameters जो use कर रहे हैं, वो mixed dimensions के हैं, right? कुछ इसमें dimensionless भी हो सकते हैं, कुछ के dimensions भी हो सकते हैं। इस वजह से हम इसको hybrid बोल रहे हैं, hybrid parameters। तो इसको यहाँ पर देखिए describe करते हैं इसका definitions। डिस्कस करते हैं। सो एवरी लीनियर सर्किट, लीनियर सर्किट हम क्या कह सकते हैं? अ सर्किट इन विच रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर रिमेन फिक्स्ड व्हेन वोल्टेज अक्रॉस देम चेंजेस। अगर इन डिवाइसेस के अक्रॉस वोल्टेज अगर हम वेरी फिक्स कर रहे हैं, राइट, चेंज कर रहे हैं, तो ये चीज वेरी नहीं होना चाहिए, ये चीज फिक्स होना चाहिए, राइट। Then having input and output terminals can be analyzed by the four parameters. मतलब कि किसी भी हम linear circuit को
इन फोर पैरामीटर से हम एनालिसिस कर सकते हैं, वन इंपीडेंस, वन एडमिटेंस एंड टू डायमेंशनलेस, एंड दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड और एच पैरामीटर, राइट। सो एज अ ट्रांजिस्टर हैज लो इनपुट इंपीडेंस, यह हमें मालूम है कि जो इनपुट इंपीडेंस होती है ट्रांजिस्टर का वो लो होती है, एंड हाई इनपुट हाई आउटपुट इंपीडेंस। Therefore, H parameter for a small signal are most useful for a circuit analysis. So basically, इसमें हम H parameter या hybrid parameter में क्या कहना चाह रहे हैं कि इसमें four parameters होते हैं जिसके basis पे हम transistor को analysis कर सकते हैं, transistor के through हम analysis कर सकते हैं जब small signal को amplify करना हो, small signal यानी input में जब हम provide कर रहे हैं उस time पे एच पैरामीटर पे तो उसको स्टडी करेंगे, राइट। उसमें से जो दो पैरामीटर होंगे, फर्स्ट वन जो वन होगा इंपीडेंस होगा, एंड सेकंड वन एडमिटेंस होगा। इंपीडेंस को मैंने जेड बोला था और एडमिटेंस को बेसिकली इसको वाई बोला था। तो ये एडवांस वर्जन हम कह सकते हैं कि प्रीवियस जो दो पैरामीटर जेड और वाई थे उसका एडवांस मैन कर लिया, राइट। और जो उसमें दो पैरामीटर होगा जो कि डायमेंशनलेस होगा, तो इसमें मिक्स है, यहाँ पर इंपीडेंस हो गया, यही एडमिटेंस हो गया और कुछ क्वांटिटी डायमेंशन लेस है, मिक्स्ड पैरामीटर इसमें है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाइब्रिड। और पैरामीटर्स यानी कि फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं, राइट। तो ये जो हम लोगों ने अभी तक यहाँ पर डिस्कशन किए उसको हम कैलकुलेट करते हैं कि हम लोगों ने एच पैरामीटर में कहे कि दो क्वांटिटी, बाकी जो दो क्वांटिटी है उस पर डिपेंड करता है। हमें मालूम है कि फोर जो की क्वांटिटी है, इनपुट में दो है, करंट है, इनपुट करंट है और इनपुट वोल्टेज है, राइट। दो टर्मिनल के क्रॉस जो वोल्टेज है और आउटपुट करंट है और आउटपुट वोल्टेज है जो आउटपुट के क्रॉस, राइट। तो ये फोर क्वांटिटी किस तरह से दूसरे पे डिपेंड करता है उसके लिए हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ट्राई करेंगे और उसको फिर एनालिसिस करेंगे कि क्या उससे फिजिक्स का कंक्लूजन निकलता है। So, let us consider a network containing a large number of linear elements, both active and passive, that is represented here. अब यहाँ पर देखिए, इस basically ये block diagram है, ये जो black box यहाँ पर लिखा है ना, अब इसके अंदर active और passive elements लगा हुआ, इसके inside में बहुत सारे devices लगा हुआ, large number of linear elements, linear elements क्या होते हैं, a circuit in which रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर आर कनेक्टेड, दैट इज द लीनियर। और उसमें कुछ एक्टिव भी हो सकते हैं, पैसिव भी हो सकते हैं, राइट। सो इन दिस सर्किट इनपुट वोल्टेज एंड करंट आर शोन बाय V1 एंड I1। अब इस सर्किट में अब आप ये बॉदर कर सकते हैं कि सर आपने स्मॉल I1 और स्मॉल V1 यहाँ पर एग्जैक्टली स्मॉल V1 होना चाहिए बट यहाँ पर मेंशन है, क्योंकि हम जो यहाँ पर सिग्नल को एम्पलीफाई करना चाहते हैं वो एसी सिग्नल को एम्पलीफाई करना चाहते हैं और एसी को हम बेसिकली स्मॉल लेटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो जो इनपुट है वोल्टेज, इनपुट करंट और वोल्टेज है, उसको V1 और I1 से रिप्रेजेंट कर लिए। आउटपुट वोल्टेज एंड करंट, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय V2 एंड I2, राइट, उसको स्मॉल I2 और स्मॉल V2 से रिप्रेजेंट। So currents at the terminal are considered as positive. ये आपने sign conventions पढ़ रखे हैं inwards, and input and output voltage V1 and V2 are considered positive from the upper to the lower terminals. Simple, आपको ये आपने Kirchhoff's law में पढ़ रखे थे कि किसी भी terminals पे junction पे अगर current enter कर रहा तो वो positive होगा, अगर वो करंट लीव कर रहा है तो वो निगेटिव होगा। जंक्शन से अगर करंट या वोल्टेज लीव कर रहा है तो उसको हम निगेटिव साइन रखते हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है, राइट। तो जो हम लोगों ने जेड पैरामीटर्स में कहा कि दो पैरामीटर्स डिपेंडेंट होंगे और इनडिपेंडेंट होंगे, उसको यहाँ पर मैथमेटिकली लिख लेते हैं और समझ लेते हैं, राइट। सो इन द हाइब्रिड पैरामीटर और एच पैरामीटर, दिस I1 एंड V2 आर सेलेक्टेड एज इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यानी कि एक दूसरे पर ये डिपेंड नहीं करते हैं, इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। बट I2 and V1 आर टेकन एज डिपेंडेंट वेरिएबल्स, दैट इज V1 आर एज अ फंक्शन ऑफ I1 एंड V2। इसको समझिए, V1 क्या है,
input voltage hai, and that is dependent on input current and output voltage, right? That means ki ye dependent hai input current or output voltage pe, that must be function of I1 and V2. जो V1 होगा वो किसका फंक्शन होगा, I1 का और V2 का फंक्शन होगा। उसी तरह से जो I2 है, I2 करंट भी डिपेंडेंट है इन दोनों पैरामीटर में, दैट I2 इज आल्सो फंक्शन ऑफ I1 एंड V2, राइट। तो ये दो एक टर्म हमने यहाँ पर मेंशन कर लिए किस तरह से वो डिपेंड करता है, डिपेंडेंट है बाकी दो पैरामीटर्स पे, राइट। So as the network is operated with AC signals, the changes in these quantities may mathematically be specified by writing to total differential. अब हमें मालूम है कि यहाँ पर हम AC as well as DC provide कर रहे हैं, biasing के लिए DC use करते हैं और signal जिसको amplify करना है उसको हम AC और DC को superimpose करके यहाँ पर provide करते हैं, जिसको हमें output में amplify होकर signal मिलता है, राइट। तो उसको टोटल डिफरेंशियल के टर्म में यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। तो ये इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो टोटल डिफरेंशियल किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, इवन आपने मैथमेटिक्स में पढ़ रखे हैं। तो सो बेसिकली जो चेंज चेंज इन दिस क्वांटिटीज V1 एंड I2, V1 क्या है इनपुट वोल्टेज है, I2 क्या है आउटपुट करेंट है, तो इसमें कितना चेंजेज हो रहा है इस एसी सिग्नल में, ये यहाँ पर हम लोग लिखने जा रहे हैं। सो differential concept use करके dv1, this dv1 is equal to dever v1 upon dever i1, क्या किया हमने इसको partial derivative dever या curl कह लीजिए, curl कह लीजिए, right, del तो नहीं कह सकते हैं, dever v1 upon dever i1 इस first term के respect में, और at constant v2 with respect to v2, right, into dy1 प्लस इसी तरह से डी डेवर बी वन अपॉन डेवर बी टू एंड इसको आई वन हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू आई वन राइट और इनटू डी बी टू। तो इस तरह से हम इस फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन इसको फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन के टर्म में इस बी वन और आई टू को टोटल डिफरेंशियल्स कैलकुलेट कर लिए। अब मैं शुरू में ही कहा था बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग एसी सर्किट एसी सिग्नल, सो दिस इज इक्विवेलेंट, दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू दिस इक्वेशन इज इक्विवेलेंट टू दिस, ये कैसे आप देखिए यहाँ पर इन द एसी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज टू बी डेवलप्ड सो वी कैन टेक पार्शियल डेरिवेटिव एज ए कॉन्स्टेंट्स। ये जो पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पर आ रहे हैं इसको हम एज ए कॉन्स्टेंट यूज कर सकते हैं, ये जो टर्म्स आ रहे हैं इसको हम कॉन्स्टेंट यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, यहीं से आपको समझ में आना है कि वो जो फोर पैरामीटर्स जिसको हम हाइब्रिड पैरामीटर्स कहते हैं वो यहाँ पर रिजल्ट हमें ड्राइव होकर क्या देना। तो एज इट इज इसको बेसिकली इट इज अ चेंज इन एसी सिग्नल, तो एसी सिग्नल को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये वी वन से, और ये जो वी वन अपॉन आई वन है, वी अपॉन आई वन ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, ये इनपुट, ये इनपुट में V1 है और इनपुट करंट है, तो इनपुट इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया H11 से, राइट। H स्टैंड्स फॉर हाइब्रिड, राइट, और 1 स्टैंड्स फॉर ई इनपुट में V1 अपॉन I1, राइट। उसी तरह से यहाँ पर V1 अपॉन V2 है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर तो इम्पीडेंस का ही इसका यूनिट इम्पीडेंस के यूनिट के इक्विवेलेंट होगा, ये V1 अपॉन V2 आ रहा है, राइट। तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगा, ये भी I2 अपॉन I1 ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगा, ये I2 अपॉन V2 है ये एडमिटेंस के इक्विवेलेंट होगा। तो दो फिजिकल क्वांटिटी इसमें तो यूनिट है, इनके यूनिट है, राइट, और दो फिजिकल क्वांटिटी के इसमें जो दो टर्म है वो यूनिटलेस, राइट, दैट इज द मिक्सचर ऑफ वेरियस क्वांटिटीज, that's what it's called hybrid parameters, right? तो यहाँ पर इसको हम V12 लिखें तो इसको H12 लिखेंगे, इसको और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे H11, H12 क्या होता है, H21 H22 क्या होता है, right? तो second equation जो है वहाँ से आप ले सकते हैं I2 is equal to इसको 21, ये subscript यहाँ पर हमने use कर लिए H21 into I1
plus S22 I2 upon V2 है, S22 upon V2. तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, राइट? ये आपने प्लस टू मैथमेटिक्स में इवन पढ़ रखे हैं. तो हियर H11, H12, H21 एंड H22 which relate the four variables of the two-port system by equation 3rd and 4th, and that is called hybrid parameters. ये जो दो इक्वेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो दो इक्वेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है. ये इक्वेशन क्या प्रोवाइड करते हैं, और इस इक्वेशन में फोर पैरामीटर्स जो है H11, H12, H21 एंड H22 ये कोरिलेट करते हैं टू पोर्ट सिस्टम को. टू पोर्ट सिस्टम यानी कि इनपुट पोर्ट एंड आउटपुट पोर्ट, और ये किसमें है, ट्रांजिस्टर के हैं. ट्रांजिस्टर के इनपुट और पोर्ट में, आउटपुट पोर्ट में जो रिलेशन प्रोवाइड करते हैं, तो इक्वेशन दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड पैरामीटर्स एंड कैन बी डिफाइंड फ्रॉम द अबव इक्वेशन बाय फर्स्ट पुटिंग V2 is equal to 0. अब इससे हम इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं पार्टिकुलर, और ये जो फोर पैरामीटर्स है, इन फोर पैरामीटर्स की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं. ये कैलकुलेट कैसे करना है, हमें एक बार हमने आउटपुट को शॉर्ट सर्किटेड कर दिए, यानी कि V2 is equal to 0, राइट, दोनों इक्वेशन में रख देंगे, तो H11 आ जाएगा और ये दूसरा टर्म आ जाएगा. सेकेंड इक्वेशन से हमें S21 आ जाएगा. उसी तरह से एक बार हम I1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एक बार I1 is equal to 0 यानी कि इनपुट ओपन सर्किट कर देंगे, तो ये वैल्यू हमें आ जाना है H12 और H22 की वैल्यू आ जाना है, राइट. तो फर्स्ट इसमें थर्ड जो इक्वेशन है इसमें हमने क्या किया कि V2 is equal to 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये टर्म 0 हो जाएगा. तो यहाँ पर H11 की वैल्यू क्या आ जाएगी, H11 is equal to V1 upon I1. H11 is equal to, even आप देख सकते हैं कि इसको हमने यहाँ पर जो H1 की वैल्यू, H11 की वैल्यू हमने क्या लिख रखे हैं, डेवर V1 upon डेवर I1 at V2, right? तो V2 की वैल्यू 0 है, right? V2 equal to 0, V1 upon I1. तो V upon I क्या होता है, that is called impedance. तो इनपुट इम्पीडेंस दैट इज लो फॉर ट्रांजिस्टर, इनपुट इम्पीडेंस ट्रांजिस्टर में लो होती है. तो H11 इज द इनपुट इम्पीडेंस व्हेन द आउटपुट इज शॉर्ट सर्किटेड, V2 इज इक्वल टू 0, राइट. उसी तरह से हम बाकी पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अब हम जो सेकेंड इक्वेशन है, जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें अगर V2 इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो H21 की वैल्यू जो आएगा, इसमें हम देखें H21 की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, I2 upon I1, क्योंकि ये टर्म तो 0 हो गया फोर्थ इक्वेशन में. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं H21 इज इक्वल टू HF is equal to dever I2 upon dever I1 with the V2 that is equivalent to I2 upon I1. Basically it is a unitless quantity, right? So short circuited forward current ratio, forward current gain हम बोल सकते हैं इसको. Basically it is a forward current gain, HF is the forward current gain when output is short circuited, right? तो एक कंडीशन V2 is equal to 0 सब्स्टिट्यूट करके हमने H11 और S21 कैलकुलेट कर लिए, वो जो हाइब्रिड पैरामीटर की दो इक्वेशन ट्राई किए. उसी तरह से अब उस इक्वेशन में फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशंस में हमें क्या करना है, I1 is equal to 0 सब्स्टिट्यूट कर देना है, राइट. तो उससे फिर हमें H12 की वैल्यू आ जाने हैं और S22 की वैल्यू आ जाने. तो H12 की वैल्यू क्या आ जाएगा, H12 is equal to, ये तो हमने पहले वहां पर H12 H O and that is known as output admittance.
राइट, इनपुट में हमने इंपीडेंस की बात की थी, आउटपुट में एडमिटेंस की बात कर रहे हैं. दिस आई टू अपॉन वी टू इज नोन एज बेसिकली इनवर्स है ना, इनवर्स है. वी अपॉन आई इज इक्वल टू इंपीडेंस होता है, इंपीडेंस के रेशियो को दैट इज कॉल्ड एडमिटेंस. राइट, सो दैट इज एडमिटेंस इज रिप्रेजेंटेड एज एच ओ, आउटपुट एडमिटेंस एच ओ एंड ओपन सर्किटेड आई वन इज इक्वल टू. तो ये जो पैरामीटर हमने कैलकुलेट किए एच वन टू एच टू वन एच टू टू एच वन वन, अब इसको हमें पता चल गया कि इसमें इनपुट और आउटपुट क्या है, उसको यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो दैट इक्वेशन कैन बी रिटन एज वी वन इज इक्वल टू एच आई, यानी कि ये एच आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनपुट इंपीडेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसके अक्रॉस जो करेंट है. राइट, ये इनपुट इंपीडेंस एक तरह का रेजिस्टेंस है, ये करंट है. तो ये V is equal to IR है, तो ये आप सिंपल समझ सकते हैं कि ये समेशन हो रहा है यहाँ पर वोल्टेज V, वोल्टेज is equal to वोल्टेज plus this वोल्टेज. राइट, एंड HR is ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज, ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज एंड इनटू V2. I2 is equal to second equation में HF आएगा, I2 is equal to HF into I1. HF क्या है, forward this short circuit forward current ratio into plus HO यानी कि output in admittance this HO into V2. तब हमारे पास ये equations आ गया, ये conditions apply करने पे. अब इसको आप कह सकते हैं इस इक्वेशन में कि एच आई का यूनिट्स क्या है, एच एफ का, एच आर का, एच ओ का यूनिट्स क्या है. यूनिट्स को अगर हम बॉलो करें तो एच आई हैज यूनिट्स ओम बिकॉज इट इज इम्पीडेंस एंड इम्पीडेंस इज बेसिकली रेजिस्टेंस. उसको हम इम्पीडेंस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे लीनियर सर्किट में डिवाइसेस है, तो सिंपल रजिस्टर होता है तो हम उसको कहते हैं कि उसमें रेजिस्टेंस है, उसको इंपीडेंस नहीं कहते हैं. लेकिन अगर इंडक्टर भी कनेक्टेड है, कैपेसिटर भी कनेक्टेड है, तब फिर उसमें जो रेजिस्टेंस सर्किट में ऑफर होगा लीनियर सर्किट में, तब उसको हमें इंपीडेंस कहते हैं. तो आउटपुट के अक्रॉस जो इंपीडेंस है, इंपीडेंस की यूनिट ओम होगी. बेसिकली इट इज अ रेजिस्टेंस ऑफर द वेरियस लीनियर डिवाइसेस एक्टिव और पैसिव. एंड एच नॉट हैज अ यूनिट्स ऑफ एडमिटेंस. एडमिटेंस क्या होता है, इनवर्स ऑफ दैट इंपीडेंस. तो ये ओम था तो ये ओम इनवर्स हो गया. तो एच ओ की यूनिट क्या है, ओम इनवर्स. बट दिस एच एफ एंड एच आर प्योर नंबर्स हैविंग नो यूनिट्स, दिस इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. ये आप देख सकते हैं एच आर वी वन अपॉन वी टू वोल्ट अपॉन वोल्ट है, और ये है एच एफ की वैल्यू I2 upon I1, ये भी एम्पियर अपॉन एम्पियर, यानी कि इसका कोई डायमेंशन नहीं है, दिस इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. राइट, अब आपको यहाँ पर ये चीज समझना है कि हम हाइब्रिड पैरामीटर्स जो फोर क्वांटिटीज पढ़े, क्योंकि हमने थ्री टाइप्स के कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ रखे हैं ट्रांजिस्टर का, और ये चीजें अगर आपको समझ में आएंगी तभी जा करके आगे हम करेंट गेन वोल्टेज गेन जो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो समझ में आना है, अदरवाइज नहीं. तो इसको अगर थोड़ा और कम भी समझ में आ रहा है तो दोबारा इसको आपको गूगल क्लास में लेक्चर अवेलेबल होगा, उसको आप सुनेंगे समझेंगे. यहाँ से इससे मैटर को पढ़ा रहा हूँ, ये भी आपको गूगल क्लास में अवेलेबल होगा. और कोई क्वेश्चन होगा, क्वेरीज होगा तो जरूर आप पूछें. राइट, सो अब इस इक्वेशन को हम अलग अलग कन्फ्यूगेशन में बात कर लेते हैं. जैसे कि तीन तरह के कन्फ्यूगेशन, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर. राइट, तो हमें मालूम है कि कॉमन एमिटर सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है ना, क्योंकि उसका करंट गेन और वोल्टेज गेन सिग्निफिकेंट सिग्निफाई करता है, इसलिए हम कॉमन एमिटर जनरली प्रेफर करते हैं. बट यहाँ पर जो इससे सिंबल है, रिप्रेजेंटेशन है, वो सारे के लिए यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है. एक बार हम चेक कर लेते हैं, और ये नोटेशन अगर एक आपको समझ में आ गया तो किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए, किसी भी आपको मोड के लिए इसको आप इक्वेशन में लिख सकते हैं. सो यहाँ पर आपको बताया गया कि एन एडिशनल सफिक्स ई इज एडेड टू द सिंबल ऑफ एच पैरामीटर्स टू इंडिकेट द ट्रांजिस्टर दैट इज यूज्ड इन कॉमन एमिटर.
एमिटर मोड के लिए, कॉमन एमिटर मोड के लिए हमें सफिक्स क्या यूज करना है, स्मॉल ई यूज कर देना है. एंड बी इज यूज फॉर एडेड टू इंडिकेट द ट्रांजिस्टर दैट इज यूज्ड इन कॉमन बेस मोड. स्मॉल बी यूज कर लेंगे एच के साथ, राइट right? क्योंकि हम आई तो यूज कर रहे थे इनपुट के लिए, ये ओ यूज कर रहे हैं आउटपुट के लिए, राइट right? और ये जो एच आर और एच एफ है ये वहां पर ये पता कर लेंगे कि इनपुट है आउटपुट है, और उसके क्रॉस जो भी पैरामीटर है वो भी वहां पर मेंशन करेंगे, राइट जस्ट जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा. एंड सी इज एडेड टू इंडिकेट द ट्रांजिस्टर दैट इज यूज्ड इन कॉमन कलेक्टर मोड. सिंपल सा. सो कॉमन एमिटर के लिए हम यूज करते हैं. कॉमन एमिटर में अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है, ये जो इक्वेशन है इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूं. देखिए ये V1 है. V1 क्या है, इनपुट है. तो कॉमन एमिटर में हम जो इनपुट जो प्रोवाइड करते हैं वो किसके क्रॉस प्रोवाइड करते हैं, बेस के क्रॉस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हम एमिटर को तो कॉमन करते हैं, है ना, तो बेस के क्रॉस इनपुट प्रोवाइड करते हैं. तो इसलिए यहाँ पर V1 के जगह B लिख दिया गया, राइट ये V1 के जगह B लिखा. और HI है, और कौन से एमिटर की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये इनपुट पैरामीटर है, और यहाँ पर इनपुट इंपीडेंस के लिए जिस भी कॉन्फ़िगरेशंस की बात करेंगे, यानी कि एमिटर के लिए करेंगे, तो ये HI हो जाएगा, राइट. और जो I1 है, I1 किसके क्रॉस हमने करंट प्रोवाइड किए हैं, इनपुट करंट क्या है, बेस के क्रॉस जो इनपुट करंट है वो IB है, राइट. प्लस HR क्या है, रिवर्स वोल्टेज रेशियो है, राइट right? और एमिटर के लिए है, तो यहाँ पर E हमने यूज कर लिया. और V2 क्या है, आउटपुट करंट है, तो आउटपुट करंट जो ट्रांजिस्टर में मिलता है दैट इज DC, राइट. यहाँ पर DC यूज कर लिया. दूसरे इक्वेशन में देखिए I2 क्या है, I2 कलेक्टर करंट है, यानी आउटपुट के क्रॉस है, तो इसको हमने IC यूज कर लिए. ये HF यहाँ पर E लग जाना है केवल, क्योंकि एमिटर के लिए बात कर रहे हैं. I1 के लिए I1 इनपुट करंट है, इनपुट करंट किसके क्रॉस लेते हैं, बेस के क्रॉस, तो I लिख लेंगे. और ये जस्ट यहाँ पर HO की जगह HO लिख देना है. तो इसमें आपको HR में और HO में आपको और HF में आपको दिक्कत नहीं है. मेन आपको ये ध्यान रखना है कि इनपुट और आउटपुट का क्या सिंबल होगा. ट्रांजिस्टर से आपको कोरिलेट करना है. जो भी ट्रांजिस्टर आप स्टडी कर रहे हैं, जिस भी ट्रांजिस्टर के लिए आप एच पैरामीटर का इक्वेशन लिख रहे हैं, वो उसमें आपको ये आइडिया लगना चाहिए कि इनपुट में आपने क्या वहां पर रखे हैं, इनपुट आप किसके क्रॉस प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट. तब ये इक्वेशन बहुत ही इजिली आप लिख सकते हैं, राइट. ये इसको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं. अब देखिए कॉमन बेस मोड में बेस को हमने क्या कर दिए, कॉमन कर लिए. तो इनपुट किसके क्रॉस, एमीटर के क्रॉस हम प्रोवाइड करते हैं, राइट. तो ये V1 है, तो ये इनपुट वोल्टेज है, तो इनपुट वोल्टेज कॉमन बेस में क्या हो जाएगा, VE, राइट. और हमने बोला था कि इनपुट इंपीडेंस में जस्ट बेस के लिए हम B यूज कर लेंगे, और I1 के जगह इनपुट करंट क्या हो जाएगा, IE, एमीटर करंट, प्लस HRB, जस्ट उसके बेस के लिए हमने B यूज कर लिए. और V2 के लिए कलेक्टर के क्रॉस वोल्टेज VC होगा, राइट. इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन देखिए, I2 यानी कि कलेक्टर करंट हो गया, HFE हो गया, और I1 अभी यहाँ पर डिस्कस किया, I1 की जगह IE हो जाना है, और यहाँ पर HOB हो जाएगा, और V2 की जगह VC हो जाएगा, राइट. इसी तरह से हमने थर्ड के लिए लिख लेंगे, राइट. इसको आपको लिखने के लिए इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ये दो इक्वेशन आपको मालूम है, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस के लिए, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर के लिए आप इक्वेशंस नोट डाउन कर सकते हैं, राइट. तो यहाँ पर जस्ट इसके जो यहाँ पर तीनों कॉन्फ़िगरेशंस में जो नेम यूज कर रखे हैं उसके मीनिंग्स यहाँ पर इसका रिप्रेजेंट किया गया है कि HIV मीन्स इनपुट रेजिस्टेंस इन कॉमन बेस. देखिए B का मतलब क्या है, बेस है, I का मतलब क्या है, एमिटर है, और C का मतलब क्या है, कलेक्टर है. और HI का मतलब क्या है, H means हाइब्रिड पैरामीटर, और I means इनपुट, राइट. तो ये इनपुट इंपीडेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनपुट रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंट
कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ पर आप तीन पैरामीटर देखिए, HFB, HFE, HFC। तो F क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, फॉरवर्ड करंट ट्रांसफर रेशियो, कॉमन बेस, क्योंकि बेस के लिए हम बात कर रहे हैं, इसी तरह से एमीटर के लिए हो जाएगा ये कलेक्टर के लिए हो जाएगा, राइट। और जो क्वांटिटी रहेगा HOB, दैट मींस आउटपुट कंडक्टेंस इन कॉमन बेस। अगर यहाँ पर HOB कह दें तो ये आउटपुट कंडक्टेंस हो जाएगा, कंडक्टेंस या एडमिटेंस कह लेंगे, राइट। तो ये बेस के क्रॉस जो आउटपुट कंडक्टेंस एडमिटेंस होगा दैट इज HOB, एंड जो HRB होगा दैट इज द रिवर्स वोल्टेज रेशियो इन कॉमन बेस। क्योंकि ये H जो हाइब्रिड पैरामीटर, R क्या है, ये रिवर्स वोल्टेज रेशियो है, और इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए बेस के लिए, राइट। तो जो ये जो HRB और HF है दैट इज द डायमेंशनल डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, राइट। तो यहाँ तक आप लोग ये कंप्लीट कर लीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसमें आप इसके इक्विवेलेंट सर्किट को स्टडी करेंगे। उससे पहले आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ जो प्लस टू में आपने पढ़ रखे हैं उसकी इसमें रिक्वायरमेंट होगी, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे कि इक्विवेलेंट सर्किट क्या है, कि ट्रांजिस्टर को हम किस तरह से हाइब्रिड पैरामीटर से अगर एनालिसिस कर रहे हैं, दो सिग्नल को स्टडी कर रहे हैं, तो ट्रांजिस्टर को किस तरह से हम इस सर्किट के इक्विवेलेंट उसको रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, राइट। इसमें कोई क्वेरीज है तो अभी आप पूछ सकते हैं।